अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आईटीएलएस एकेडमी। आप सभी लोगों का आईटीएलएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आईटीएलएस एकेडमी। आप सभी लोगों का आईटीएलएस एकेडमी में स्वागत है। हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में, और एक बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया था जो मशरूम में डिजीज़ कॉज करती है। तो आज हम एक और डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इस डिजीज़ का नाम है मम्मी डिजीज़। ये क्या है? मम्मी डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द सेवरल स्पीसीज ऑफ स्यूडोमोनास बैक्टीरियम दैट आर रिलेटेड टू द बैक्टीरियम ब्लोच पैथोजन। ये जो हमारी जो मम्मी डिजीज़ होती है, वो डिजीज़ जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है उसकी बहुत सारी स्पीसीज़ के द्वारा फैलती है। दिस स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया नॉर्मल पार्ट ऑफ द मशरूम कंपोजिट माइक्रोफोरा। ये जो स्पीसीज़ है, ये नॉर्मल पार्ट है किसका? मशरूम जो हमारे मशरूम के कंपोजिट होते हैं माइक्रोफोरा, उसका ये एक नॉर्मल पार्ट है। दिस डिजीज अकर्स व्हेन द कंडीशन फेवरल द बैक्टीरियल ग्रोथ टू पॉपुलेशन ऑफ इन्फेक्शियस लेवल। ये जो डिजीज होती है, ये डिजीज फेवरल होती है किसको? बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करने के लिए। मतलब जब भी ये बैक्टीरिया को एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है, उस फेवरेबल कंडीशन में ये प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर जाती है। द इफेक्ट ऑफ डिजीज कैन बी devastating since mushroom mycelium infected with mummy disease will stop producing salable mushroom. The effect of this disease can be devastating. The effect of this disease can be devastating since mushroom mycelium infected by the mummy disease will stop producing salable mushroom. देखिए, जब भी ये जो bacterials होते हैं, जब भी मशरूम इस बैक्टीरिया से इफेक्ट होती है, तो वो उसके मशरूम का जो प्रोडक्शन होता है mycelium का, उसकी जो मशरूम होता है, मशरूम की mycelium को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से मशरूम की प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्टम्स ऑन मशरूम्स। आर नॉट एबल डिले ऑफ मशरूम पिंस ड्यूरिंग द फर्स्ट ब्रेकडाउन ऑफ फर्स्ट सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। दिस मशरूम पिन दैट हैव नॉट अपीयर्ड आर स्ट्रक इन अ कॉजिंग मटेरियल्स। टिपिकल मम्मी सिम्टम्स अपीयर इन अ सेकेंड ब्रेक। मशरूम इन्फेक्टेड बाई द डिजीज कैरेक्टराइज बाई कर्व स्टेम विद ऑफन विद ऑफन डिस्ट्रोटेड टिल्डेड कैप्स। द स्टेम आर ऑफन थिंक्ड एट अ बेस एंड कवर्ड विद अ फ्लिपी एजेस ऑफ माइसीलियम। इंटरनली द मशरूम स्ट्रीम ऑफन हैव कलरलेस ट्रांसल्यूसेंट वाटर सोक्ड longitudinally scratches. These stretches terminated as dark spots in a mushroom cap through cap tissue turned brown as a disease progressive. This mushroom become mummified, tough and spongy or lengthy and leathery dry. When the infected mushroom is harvested, a cracking sound is made and large amount of casing adhesives on the bases of the strip. If the mushroom is cut open, creeping noise is made and cut surface showing the reddish brown color. Mummy disease can also occurs at lateral stage during the crop development. During the late infection, normal pinhead are formed above maintained symptoms are exhibited.
देखिए अब हम बात करते हैं जो जो हमारी डिजीज है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ये जो सिम्टम्स की बात करें तो जो देखिए जो हमारा फर्स्ट ब्रेक होता है, फर्स्ट ब्रेक का मतलब जब भी डिजीज सिर्फ कॉज हुई होती है तब इस डिजीज के सिम्टम्स कोई भी अपीयर नहीं होते हैं। जब ये डिजीज हमारी सेकंड ब्रेक होता है, मतलब जब हमारी डिजीज में सेकंड मतलब इन्फेक्टन जो हमारा फर्स्ट राउंड होता है उस पर जब भी मशरूम में ये डिजीज होती है फर्स्ट राउंड में, तो उसका कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन जब भी मशरूम उसका जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है, उसका सेकंड ब्रेक आता है, तब इसके जो इन्फेक्शंस होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि जो उनकी जो स्टेम्स होते हैं वो काफ़ी कर्व हो जाते हैं और जो कैप होते हैं वो हमारे डिस्टॉर्टेड मतलब कि टिल्ड हो जाते हैं, मतलब कि उनकी जो कैप होते हैं वो हमारे थोड़े से टिल्ड हो जाते हैं। देखिए जब भी इसमें जब जब भी ये डिजीज कॉज होती है तो जो हमारे मशरूम्स होते हैं उनके जो एजेस होते हैं वो काफ़ी फ्लपी हो जाते हैं, और इनका जो हमारा मशरूम का स्टेम होता है वो भी कलरलेस हो जाता है। ट्रांसल्यूटेंट मतलब इसकी वजह से इसमें एक ट्रांसल्यूटेंट वाटर होता है जो इसमें रिलीज होता है, और जो मशरूम के कैप्स होते हैं उस पे हमारे डार्क कलर के स्पॉट्स पड़ जाते हैं। ये स्पॉट्स ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं। और जो ये मशरूम होती है ये हमारी ममीफाइड ये जो मशरूम्स होती हैं वो हमारी काफ़ी टफ स्पॉन्जी और जो लीथर जो जो मतलब लीथरी टाइप की हो जाती है, मतलब जो मशरूम्स है हमारे वो मशरूम खाने लायक नहीं बचती है। इसका जो कैप होता है वो काफ़ी डार्क हो जाता है, टफ हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इसमें। और इसकी वजह से जब भी इस मशरूम में इन्फेक्शन होता है तो इसमें एक क्रैकी साउंड प्रोड्यूस होती है, और उस क्रैकी साउंड की एक उसमें जो क्रैक क्रैक जैसे क्रैक मतलब पूरे जितने भी मशरूम है ऊपर में क्रैक क्रैक हो जाते हैं, और इसकी वजह से एक काफ़ी ज़्यादा इसमें जो अडहेरेंस काफ़ी हो जाती है मशरूम की, और मशरूम का प्रोडक्शन एकदम बेकार हो जाता है। और इसके अलावा जो स्टेम्स होती हैं वो प्रॉपर तरीके से अपने आप ही कटने लगती हैं, ओपन होने लगती हैं, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती हैं। और ये जो जो ये जो डिजीज होती है वो जो मशरूम होता है उसकी जब ग्रोइंग स्टेज होती है मतलब लेटर जो हमारी स्टार्टिंग की स्टेज होती है उसी पे हमारी जब भी हमारी क्रॉप डेवलपमेंट हो रही होती है तभी ये डिजीज हमारी कॉज होती है। तो ये हमारे सिम्टम्स होते हैं इस डिजीज के। नेक्स्ट हम देखते हैं डिजीज लाइफ साइकिल साइकिल एंड स्प्रेड कि इसकी क्या लाइफ साइकिल्स होती है और कैसे फैलती है ये। दिस डिजीज डज नॉट अपीयर टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाई द सीजनल चेंज इन अ ईयर एंड मैनी ऑब्वियस कंपोनेंट इन द मशरूम ग्रोइंग प्रोडक्शन सिस्टम। ममी डिजीज कैन बी एपिडर्मिक फॉर सम फार्म्स विच सजेस्टेड दैट द ग्रोइंग प्रैक्टिस इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ दिस डिजीज। फॉर मोस्ट फार्म डिजीज अपीयर विदाउट प्रिडिक्शन। इट कैन appear in a growing room when the production appear to be coming along strongly. When this disease the harvest from the room can still be good desperate wave patches on the growing bed surface. After the initial stage the disease spread through the mycelium within a casing. द रेट ऑफ स्प्रेड कैन बी 10 to 30 cm पर डे एंड कैन इवेंटली इफेक्ट द एंटायर बेड। एज विद अदर सीडोमोनास मॉइस्चर मैनेजमेंट इज द क्रूशियल कंट्रोल फैक्टर। इनसफिशियंट एवेपोरेशन फॉर स्प्रेड कंपोजिट कॉजिंग
ओवर वेट स्पॉन्ड कंपोजिट में इंक्लूड द डिजीज. दीज प्रैक्टिसेस कैन ऑल्सो रिजल्ट इन अ वाटर स्ट्रेस मशरूम. इट इज इम्पोर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन मशरूम डिजीज एंड वाटर स्ट्रेस मशरूम स्पेशली वेन ग्रोइंग ऑफ वाइट स्ट्रेन ऑफ वाटर मशरूम. देखिए अब हम अगर इसकी डिजीज की लाइफ साइकिल की बात करें तो ये जो डिजीज होती है ये जो डिजीज फैलनी होती है किसी मशरूम किसी क्लाइमेट पे इफेक्ट क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नहीं होती है. ये सिर्फ मशरूम के ग्रोइंग पीरियड में ग्रो में जब जब भी जब कोई भी क्लाइमेट या फिर कोई पर्टिकुलर सेशन हमारा इसको इफेक्ट नहीं करता है, जब हमारी मशरूम ग्रोथ होती है तब ये डिजीज उसमें कॉज हो जाती है. और ये जो मशरूम डिजीज होती है ये काफी हमारी एपिडर्मिक होती है. ये सबसे पहले एपिडर्मिक को इफेक्ट करती है, उसके बाद फिर ग्रो करती है. और इस ये जो देखिए जब जब स्टार्टिंग पीरियड हो रहा जब हमारा स्टार्टिंग पीरियड होता है तो हम इस डिजीज को प्रॉपर तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. जब ये डिजीज और क्रॉप हमारी ग्रोथ करती है तो तभी हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं. और इसको जो इसके लिए जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर ही सफिशेंट होता है इस डिजीज़ के डायग्नोस करने इस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए और डिजीज को कॉज करने के लिए किसने मशरूम के माइसीलियम्स में. और इसकी जो रेड उसका जो स्प्रेडिंग रेड रेट होता है वो होता है हमारा 10 to 30 centimeters पर डे, मतलब एक दिन में ये 10 to 30 seconds पर मशरूम को इफेक्ट करती है. तो ये हमारी इस तरीके से जो हमारी जो डिजीज़ होती है इसकी लाइफ साइकिल होती है और ये हमारी फैल मशरूम में स्प्रेड होती है. अब हम देखते हैं डिजीज़ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कि हम इस डिजीज़ को कैसे मैनेज कर सकते हैं कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. इंश्योर गुड क्वालिटी कंट्रोल इन कंपोजिट प्रिपरेशन. गुड सैनिटाइजर एंड हाइजीनिक इज इम्पोर्टेंट व्हेन प्रिपेयरिंग कंपोजिट. देखिए हम जब भी इस डिजीज़ को कंपोजिट मतलब जब भी हम डिजीज़ को कंपोजिट कर रहे हैं कंपोजिट को जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं तब हमें वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सैनिटेशन एंड हाइजीनिक का ध्यान रखना चाहिए. अ करेक्ट बैलेंस ग्रोथ ड्यूरिंग द फेज टू कंपोजिट प्रोडक्शन अलाउ द ग्रोथ एंड माइक्रो फ्लोरा नेसेसरी प्रोड्यूस टू एडुकेटेड कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट. देखिए जब भी ये डिजीज़ हो रही जब भी हमारा सेकंड फेज आए तो सेकंड फर्स्ट फेज में हमारे इसकी जो प्रॉपर और करेक्ट ग्रोथ होनी चाहिए. अगर इसकी प्रॉपर ग्रोथ है सब कुछ है तभी अगर हम इसके सेकंड ग्रोथ सेकंड जो हमारी फेज होती है उसमें अगर प्रॉपर तरीके से करेक्ट बैलेंसिंग ना करें तो ये हमारी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है इन्वायरमेंट को. और अगर एक बार इन्वायरमेंट इफेक्ट हो गया हमारा तो कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट इफेक्ट होने से सेंस ये है कि जो इन्वायरमेंट है वो हमारा कंटामिनेटेड हो गया है. तो अगर इन्वायरमेंट हमारा कंटामिनेटेड हो चुका है तो ये डिजीज़ इजीली कॉज कर जाएगी. तो इसीलिए जब भी हम फेज टू के कंपोजिट प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. Prevent the mummy disease from developing by proper moisture management that promotes the evaporation from composite. इस डिजीज़ को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए जो हमारा evaporation है moisture management पे उसको proper तरीके से ध्यान रखना चाहिए. Composite moisture should be examined after peak heating. Covering the sponge composite plastic may increase the water accumulation on the plastic underside. देखिए जो कंपोजिट होते हैं सुड भी है.
देखिए जब भी हमारे जो वाटर मतलब जो भी हम जब भी हम मॉइस्चर जब भी हम मतलब मॉइस्चर का एग्जामिनेशन कर रहे हों तो वहाँ पे जो हमें हीट है वो काफ़ी ज़्यादा पीक पर रखनी चाहिए। और इसके अलावा वहाँ पे जो प्लास्टिक की पॉलिथिन होती है उसे कवर कर लेना चाहिए, जिससे वाटर का एक्यूमुलेशन इन्हेंस हो जाए। रिमूव द प्लास्टिक टू डे वाइप ऑफ कॉजिंग मॉइस्चर टू कंपोजिट सरफेस। देखिए सबसे पहले अगर हमें वहाँ पे पीक हीट का काफ़ी पीक पॉइंट रखना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे जो प्लास्टिक होती है उस प्लास्टिक से हमें कवर कर देना चाहिए, जिससे उसमें मॉइस्चर बना रहा है। उसके बाद 2 दिन बाद उस प्लास्टिक को वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए और जो हमारी इवेपोरेशन की प्रोसेस है उसको प्रमोट करना चाहिए। द गोल इज टू इंक्रीज द टोटल एयर फ्लो 10 to 15 आफ्टर वाटरिंग, लोअर द ह्यूमिडिटी टू ब्लो 85%। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन मॉइस्ट मैनेजमेंट रिफर मैनेजमेंट प्लॉट सेक्शन इज दिस गाइड। देखिए अगर हमें इसमें जो हमारा एयर फ्लो है उसकी उसको इन्हेंस करना चाहिए 10 to 15%। इसके अलावा जो ह्यूमिडिटी है वो हमारी 85% से ब्लो रखनी चाहिए। और जो भी हमारे प्रिकॉशंस होते हैं वो हमें सारे प्रॉपर तरीके से लेने चाहिए। जब हम सारे प्रिकॉशंस लेंगे, हाइजीनिक रखेंगे, तो हम इस डिजीज़ को प्रॉपर तरीके से चेकआउट कर पाएंगे। वेट एरिया ऑन कंपोजिट सरफेस एट कॉजिंग अन ईवन ड्राई एरिया ऑफ कॉमन। हाँ, तो हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया कि हमने अपने इस वीडियो लेक्चर में बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया। प्लीज़ फॉलो ITLS अकेडमी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, लिंक्डइन एंड ऑल्सो गेट इट ऑन गूगल प्ले स्टोर।